दिल्ली से बरेली स्मैक लेने आया युवक को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार किया। दूसरा आरोपी मौका देकर फरार हो गया। पकड़े गए आरोपी के पास से 1,10,00,000 रुपए कीमत के स्मैक बरामद। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। मामला थाना सीबीगंज व ड्रग सेल की संयुक्त टीम को सूचना मिली कि दो तस्कर चुमका तिराहे निर्माणाधीन बरेली गेट के पास से मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे। मौके पर पहुंची टीम ने सुरेश कुमार निवासी जेजे कॉलोनी वजीरगंज थाना भारत नगर दिल्ली को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी के पास से 1100 ग्राम स्मैक बरामद। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्मैक की कीमत 1,10,00,000 रुपए बताई गई। दूसरा आरोपी थाना फरीदपुर के ग्राम बहरा निवासी अरबाज अली मौके से फरार। उधर एसपी सिटी राहुल भाटी ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी सुरेश पुत्र अनिल अवैध रूप से स्मैक की तस्करी करता था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। मौके पर फरार हुए दूसरे आरोपी अरबाज अली की पुलिस तलाशी कर रही, जल्द ही उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। सर, सीबीगंज में स्मैक पकड़ी गई, क्या मामला है? देखिए, सीबीगंज थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है जिसका, जो कि दिल्ली का रहने वाला है। ये व्यक्ति सैटेलाइट पर दिल्ली से बस पकड़ के आता था और अपना सामान फतेहगंज पश्चिमी के रहने वाले एक व्यक्ति से सामान उठाता था, उसको कैश हैंडओवर करता था और वापस दिल्ली सामान लेके चला जाता था। इस व्यक्ति के पास से 1,100,000 स्मैक बरामद हुई है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1,00,00,000 रुपए है। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और जिस व्यक्ति से ये सामान खरीद के लाता था और दिल्ली में जिसको बेचा जाता था, उन सभी के भी नाम खोले जाएंगे और उन पर भी विधिक कार्रवाई की जाएगी।